हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 6 दिसंबर 2023। सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं करंट अफेयर से, चलिए देखते हैं। ये डेली का करंट अफेयर जो आपको मिलता है, इसमें सारे हाइलाइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं। साथ में आपको मिलता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कोई खबर और जो भी ट्रेंडिंग है वो। ऐसे तमाम न्यूज़ जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सके, उसी का ये कलेक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन बने हैं, जिनका ओथ तो लेंगे कल बट डिसीजन आज हो गया है। और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, रेवंत रेड्डी। ये है रेवंत रेड्डी, जिन्होंने एबीवीपी से शुरुआत किया था, बीजेपी से, बाद में अपनी पार्टी बदल के फाइनली ये आ गए थे कांग्रेस में और इन्होंने जीत हासिल की। चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इनका पूरा नाम है अनुमूला रेवंत रेड्डी। ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज स्लेटेड टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ऑन 7th of December। ही इज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला पॉइंट आ रहा है, अब साउथ से ये भी है, क्योंकि एक स्टॉर्म जिसका नाम है मिचोंग, अब ये भारत के जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको ये हिट किया है आज ही सुबह में। अब ये बताना है आपको कि ये मिचोंग नाम किस कंट्री ने रखा है, और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, म्यांमार। जी हाँ, जो डिफरेंट साइक्लोन्स आते हैं उसके अलग अलग कंट्री को ये मौका मिलता है उसको पहले से नाम देने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि पहले से पता होता है कि कौन सा स्टॉर्म, कौन सा साइक्लोन कब आएगा। अब जैसे कुछ समय पहले एक साइक्लोन जो ओमान और येमेन को हिट किया था, उसका नाम था तेज, उसे इंडिया ने ये नाम दिया था, वैसे ही मिचोंग नाम ये दिया है म्यांमार ने। द लो प्रेशर एरिया फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल हैज टर्न इनटू अ साइक्लोन। द स्टॉर्म हैज बीन नेम्ड मिचोंग। द स्टॉर्म विल हिट द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। म्यांमार हैज गिवन द नेम मिचोंग स्टॉर्म। इट मीन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सीबिलिटी। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब इनोग्रेटेड। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है, और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, गुरुग्राम में। टेक अवेज, यहाँ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब अनवील्ड इन गुरुग्राम। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अंडर भीष्म प्रोजेक्ट। ये याद रखिएगा, ये भीष्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया है। नाउ कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम गनशॉट वुंड्स, बर्न्स, इंजरीज टू द हेड, बैक एंड चेस्ट, बोन फ्रैक्चर एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन बी ट्रीटेड एट दिस हॉस्पिटल। ये काफ़ी मल्टीपर्पज है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हो जिनको इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। माइनर ऑपरेशंस कैन बी डन इन दिस हॉस्पिटल। ग्रेट, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। तो फ्रेंड्स, सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए जो ये करंट अफेयर्स का पूरा एक बुके लेकर आते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करें, उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द मेजॉरिटी इन मिजोरम असेंबली इलेक्शंस इन 2023। तो पांच जगह ये जो इलेक्शन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में, तो इसके रिजल्ट क्या रहे, कौन कौन जीता, ये धीरे धीरे जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर डिसाइड होते जाएंगे, हम आपके लिए करंट न्यूज में ये लेते आएंगे। फिलहाल आपको बताना है कि मिजोरम में जो पार्टी जीती है वो इसमें से कौन है, बीजेपी, कांग्रेस, एमएनएफ या ZPM। और आंसर ए ऑप्शन है, ZPM। जी हाँ, ZPM क्या है फुल फॉर्म और इसके लीडर कौन है वो जरा देख लेते हैं। जोराम पीपल्स मूवमेंट, शॉर्ट में इसे ZPM कहते हैं, जोराम पीपल्स मूवमेंट। इट हैज वन द मैक्सिमम सीट्स आउट ऑफ द टोटल 40 सीट्स। ZPM हैज वन 27, विच इज इन मेजोरिटी। MNF ने एक जीता है और बीजेपी ने दो सीट जीता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है एक सीट। फ्रेंड्स, कुछ और टेक अवेज है यहाँ पर, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। द
टर्म नॉर्मली 5 साल के लिए होता है. एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच ओनली 6 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे छिप गया है जो नेक्स्ट टाइम में मैं बता दूंगा आपको. तो ये 6 स्टेट्स हैं इंडिया में जिसमें बाइकेमिरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस होता है, पब्लिक डायरेक्ट उसमें वोट दे सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच इसरो साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर लेजेंड ऑफ ऑनर. ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड होता है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है. एक भारतीय को मिला है, ये कौन है इसमें से? और इसका राइट आंसर है ए, यानी कि वी आर ललितांबिका. ये रही वी आर ललितांबिका जो इसरो से रिलेटेड है. टेक अवे देख लेते हैं. वी आर ललितांबिका फ्रॉम केरल इज एन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट वर्किंग विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो. शी इज एन एक्सपर्ट इन एडवांस्ड लॉन्चर टेक्नोलॉजीज. कुछ और टेक अवेज है यहाँ. द लेजेंडरी ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द फ्रेंच रिपब्लिक फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी. इट वॉज स्टार्टेड बाई नेपोलियन बोनापार्ट इन द ईयर 1802. इट हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 200 ईयर्स नाउ. तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं रिवीजन पे, यानी रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे अगर आपका छूट गया है तो यहाँ पर आपको रिवीजन इसका मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमें याद रखना चाहिए. द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, पहला सोलर सिटी इंडिया का कौन सा है? वो है सांची नगर जो कि मध्य प्रदेश में है. द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून, भारत. इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, आदित्य L1. वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी, जी हाँ, वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी सिंगापुर को एडजज किया गया है. द फर्स्ट वुमन CEO चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, जया वर्मा सिन्हा. इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन ओपन इन बेंगलुरु. द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिनल ग्लोबल समिट, पहला मेडिसिनल ग्लोबल समिट कहाँ पर हुआ? हुआ गांधीनगर गुजरात में. द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम एज अ मेंबर इज बेंगलुरु. वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा, चाइना ने किया है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल, ये बनने जा रहा है 500 करोड़ की लागत में, विराट रामायण टेम्पल, और ये बनेगा बिहार में कैथ वालिया, जो कि ये जगह है मोतिहारी के पास में, वहां पर ये बनने जा रहा है. इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली ई गवर्नड स्टेट, पूरा का पूरा ई गवर्नेंस है यहाँ पर, और ये है केरल. द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, और ये है अंजी खंड ब्रिज, ये जम्मू एंड कश्मीर में है. पहला फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है ये अंजी ब्रिज. और ये लास्ट पॉइंट है आज का, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग राइट टू हेल्थ, यानी कि एक तरह का ये आपको राइट मिलता है वहाँ के लोगों का, और सारे लोगों को अब हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया है, और वो है जगह राजस्थान. तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्प करने वाले हैं. उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा. कमेंट करना नहीं भूलिए, नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि आपको वाकई अच्छा लगा, और अपने सजेशंस भी जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.